हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपने लोकल कंप्यूटर में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सारा का सारा प्रोसेस जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना और सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड, तो आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org। इस साइट से जो है हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे गूगल में दूसरे रेफरेंस लिंक की बात करूँ, आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वर्डप्रेस से ही डाउनलोड कीजिए। तो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, हमें डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 15 से 16 MB की फाइल है और बहुत जल्दी ये जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए अब हम सेकेंड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तब तक अब आपको जो है सेकंड सॉफ्टवेयर सर्च करना है, ज़ैम्प डाउनलोड करके आपको सर्च करना है। तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, इसके ऊपर आ जाना है। तो देखिए, हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है। अब ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस लिंक पे आके जो है आपको ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेना है। आपको इसकी दूसरी रेफरेंस लिंक भी मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल गया है, ये विंडोज़ और लिनक्स दोनों के लिए उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पर तीसरा वर्जन जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये वर्जन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 161 MB की फाइल है। तो देखिए, इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 15 MB 16 MB की फाइल वो है, और 160 MB की फाइल ये है। लगभग 176-177 MB में ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लिया है। तो जहाँ पर भी ये डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में आप आ जाइए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहला प्रोसेस अब हमारा ये रहेगा, डाउनलोड करने के बाद आपको ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है। तो ज़ैम्प को आपको यस कर देना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे वार्निंग देखने को मिलेगी, इसको इग्नोर कर देना है, ओके कर देना है। और इसका इंस्टॉलेशन जो सेटअप प्रोसेस है बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी सी ड्राइव में ज़ैम्प नाम के फोल्डर में होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके और कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट कर देना है। लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को क्या फ़ायदा होता है इसका इंस्टॉल करने से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपके सिस्टम में एक लोकली वेब सर्वर जो है क्रिएट कर देता है, जिसकी हेल्प से जो है आप PHP की फाइल जो है अपने लोकल कंप्यूटर में रन कर पाते हैं, ठीक है। इसी से जो है हम वर्डप्रेस को डायरेक्टली रन करेंगे और उसके अंदर साइट डेवलपमेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ज़ैम्प जो है डाउनलोड हो गया है। आपको यहाँ पे परमिशन पूछ रहा है फायरवॉल का, इसको अलाउ एक्सेस कर देना है और ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर देंगे तो आपको एक कंट्रोल पैनल ओपन कर देगा। तो ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल ओपन करना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमने फिनिश किया और हमारे सामने कंट्रोल पैनल आ गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड फाइल पे जाना है जो आपकी वर्डप्रेस की फाइल है, इसको यहाँ से जिप फोल्डर को कॉपी कर लेना है। और उसके बाद जहाँ पे भी जिस डायरेक्टरी में आपने इसको इंस्टॉल किया है ज़ैम्प को, वहाँ पे आ जाना है। तो देखिए, यहाँ पे ज़ैम्प मैंने सी में इंस्टॉल किया है, ज़ैम्प के अंदर आ गया। अब इसके अंदर जो है आपको htdocs नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको आ जाना है। तो देखिए, ये रहा फोल्डर। अब यहाँ आने के बाद जो है आपको इस फाइल को जो है पेस्ट कर देना है, जो जिप फाइल आपने वहाँ से कॉपी करी उसको पेस्ट कर देना है। अब इस जिप फाइल को क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है यहीं पर। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ऐसे ही आप जितनी बार जितने प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे उतनी बार जो है आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स, इससे जो है आपको काफ़ी इजी रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब इसको जो हमें एक प्रोजेक्ट नेम देना पड़ेगा, तो रीनेम कर देता हूँ, जो भी आपके साइट का नाम है या प्रोजेक्ट नेम है वो आप दे दीजिए। मैं अपने केस में मिस्टर बॉट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए, मिस्टर बॉट नाम का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ हमने नेम प्रोजेक्ट नेम दिया है। अब इसको इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो सिंपली आपको जो है अपने वेब सर्वर में आना है, इसके कंट्रोल पैनल में अपाची और MySQL को स्टार्ट कर देना है दोनों को। तो देखिए, यहाँ पे हमें प्रोसेस आईडी एलोकेट हो गई है, इसको अलाउ कर देना है। इसका मतलब जैसे ये स्टार्ट हो जाए, प्रोसेस आईडी हमें एलोकेट हो जाएगी, तो हम जो है अब अपना काम कर सकते हैं आगे का। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस जो है क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, मिस्टर बॉट का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। हम यहाँ पर लोकल होस्ट php my admin, आपको अपने वेब ब्राउजर में जाना है। ध्यान रखना, ये लिंक तभी ओपन होगा आपके कंप्यूटर में जब आपका ज़ैम सर्वर स्टार्ट होगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। तो देख सकते हैं, हम अपने php my admin पैनल में यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको जो है एक डेटाबेस जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा सर्वर स्टार्ट है इसलिए रन हो रहा है। तो डेटाबेस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे जो है हम एक डेटाबेस जो है अपनी मिस्टर बॉट का जो प्रोजेक्ट नेम है उस साइट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर बॉट अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिख देते हैं आगे टैग लिख देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर बॉट अंडरस्कोर टैग नाम से हमने जो है एक डेटाबेस क्रिएट किया। तो क्रिएट कर लिया, तो देखिए ऐसे क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका डेटाबेस का जो भी नेम है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे प्रोजेक्ट का नेम मिस्टर बॉट है और उसके अंदर वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, अब कैसे आपको इसको ओपन करना है वो देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली आपको इस पाथ का जो है जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है और जो आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है उसका पूरा पाथ जो है आप एक्यूरेट याद रखिएगा। तो देख सकते हैं हम एसटी डॉक्स में यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है मिस्टर बॉट और इसके अंदर हमारा जो फोल्डर है वर्डप्रेस, और यहाँ पे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो आप प्रोजेक्ट नेम और वर्डप्रेस दोनों का ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपको लोकल होस्ट लिखना है, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम मिस्टर बॉट और उसके अंदर जो फोल्डर है हमारा वर्डप्रेस वो करके आपको एंटर कर देना है। तो देखिए आपके सामने कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है। ये रहा हमारा पीएचपी पैनल और ये रहा हमारा कॉन्फ़िगर पैनल जहाँ से आप इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो डेटाबेस नेम हम ये डालेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर बॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जिससे कि हम कोई भी डेटा वगैरह हम इसके अंदर एंटर करेंगे, कुछ भी चीज़ हम करेंगे साइट में सारा सारा इसको पता रहेगा कौन से डेटाबेस में सेव है, ठीक है। तो मिस्टर बॉट अंडरस्कोर टेक नाम का हमने डाल दिया। यूज़र नेम आप यहाँ पे रूट रखिए, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दीजिए, डेटा बेस नेम आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और प्रीसेट वगैरह आप जो देना चाहे उसको दे सकते हैं और उसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया है, एरर ये आया है कि हमने यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक नहीं छोड़ा है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि जब हम लोकल होस्ट करते हैं तो रूट और पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, और इसको रन इंस्टॉलर आपको जो है क्लिक कर देना है। आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ बेसिक फॉर्म्स आ जाएगा। इसमें आपको कुछ साइट की बेसिक डिटेल्स जो हैं एंटर करनी है, जैसे साइट का टाइटल क्या है, ठीक है, यूज़र नेम क्या है, ठीक है, ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल्स जो है आपको इस फॉर्म के अंदर फिल करनी है। तो चलिए साइट टाइटल में हम यहाँ पे साइट टाइटल दे देते हैं मिस्टर बॉट, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यूज़र नेम आप अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए यूज़र नेम एडमिन रख देता हूँ, और पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग देना है, और मैं अपने केस में पासवर्ड भी एडमिन दे देता हूँ क्योंकि मैं समझाने के लिए ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ। वीक पासवर्ड मैं कंफर्म कर देता हूँ, मुझे पता है मेरा वीक पासवर्ड है। और ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है एंटर कर देना है। तो ये सब जो डिटेल्स आप इस वाले फॉर्म से जो भी फिलअप कर रहे हैं, जो भी एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको अनचेक ही रहने दीजिए, ठीक है। हमें अभी इंडेक्स नहीं, यानी इंडेक्स करवाना है लेकिन अभी नहीं करवाएंगे हम इसको। सिंपली जो है आप इसको इंस्टॉलेशन कर दीजिए। इंस्टॉलेशन करने के बाद देखिए सॉफ्टवेयर जो है यानी वर्डप्रेस आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर हो चुका है आपकी मिस्टर बॉट वाले प्रोजेक्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पे एडमिन डाल दिया हमने, और यहाँ पे अभी हमने इसको एडमिन डाल दिया। अब यहाँ पे सिंपली हम इसको लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। अब ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे एडमिन पैनल लॉगिन है, यहाँ पे सिंपली सारी पोस्ट थीम्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। साइट में आपको जो उसका डिफ़ॉल्ट थीम आपको देखने को मिलती है वर्डप्रेस की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहते हो उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरी नई थीम्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वगैरह मैं आप लॉगिन करने के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको PHP के पैनल में लॉगिन करना है तो आपको बता ही दिया, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन करके कर देना है। अगर आपको साइट में लॉगिन करना है तो साइट में लॉगिन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम है वो डाल के जो है WP माइनस एडमिन कर देंगे, तो आपको जो यहाँ पे साइट में आप डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे उतने आपको वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो वर्डप्रेस का मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है। तो ये रहा हमारा PHP पैनल, ठीक है। तो आपने देखा,
अब चलिए मैं आपको उसको स्टॉप करके दिखा देता हूँ। स्टॉप करने से क्या होगा, जैसे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ ना, अब मैं अगर इस साइट में जाता हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे को ये जो है एरर देखने को मिल जाएगा, साइट जो है रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा वेब सर्वर जो है रन नहीं हो रहा है। आपको डेवलपमेंट के टाइम पे इसको जो है ज़रूर ऑन करके रखना है और उसके बाद आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको साइट बनानी है जैसे बनानी है वैसा आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो जो है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरे को अभी तक सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।